हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाना चाहते हैं जो हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल का कितना पावर होता है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। और वाकई में आज का जो मार्केट है वो हैमर कैंडल से बहुत ही बढ़िया जो है एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट देखे गया है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से हैमर कैंडल वर्क किया है, उस चीज़ को हम आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज़ क्या था कि मार्केट जो था वो आपका मार्केट जो आज खुला था, उस खुलने के बाद जो मार्केट का मूवमेंट था ये यहाँ था। मार्केट यहाँ पे 9:15 में खुला है, उसके बाद कुछ देर ऊपर गया। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट लंबे समय तक साइडवेज था, इस जोन तक जो है साइडवेज मार्केट था। यहाँ पे साइडवेज होने के बाद जो है मार्केट गिरता है और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको हैमर कैंडल दिखता है। वो हम आपको हैमर कैंडल दिखाते हैं कहाँ पे आपको हैमर कैंडल था। ये हैमर कैंडल आपको 1:05 पे बनता है, जिस टाइम में मार्केट गिर रहा था और सभी लोग ये चाह रहे थे कि मतलब इसके नीचे और मार्केट गिरेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिखा जो हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि इस जगह पे हमने एक सपोर्ट का लाइन बनाए हुए थे कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगा तो इस पोजीशन पे जो है हमारा मार्केट सपोर्ट लेगा, अगर इसे ब्रेक करता है तो हमारा एक नीचे अच्छा मोमेंट पुट साइड में मिल सकता है, मार्केट फॉल हो सकता है क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मेरे एक अच्छा मोमेंट मिल सकता था। लेकिन मार्केट इसी जगह को सपोर्ट बना दिया और जब सपोर्ट बनाया यहाँ पे तो उसके बाद मुझे एक हैमर कैंडल मिला और हैमर कैंडल मिलने के बाद जो है हमने उस पर ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद वाकई में बहुत ही बेहतरीन जो है प्रॉफिट मिला। अब देखिए हैमर कैंडल हम आपको दिखा रहे हैं, हैमर कैंडल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैमर कैंडल किस तरह से बना और किस तरह का हैमर कैंडल होता है वो भी आप देख लिए। थोड़ा जूम कर देते हैं एकदम अच्छे से जो बड़ा आपको दिखे। यहाँ पे देखिए कि 5 मिनट का मैंने कैंडल लिया हुआ, 5 मिनट के कैंडल में आपको 1:05 पे ये आपका हैमर कैंडल बना था। पहले तो यहाँ पे 10 मिनट जो है अपना टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद जो है इसने हैमर कैंडल को बनाया और हैमर कैंडल जैसे ही बना तो यहाँ पे मैंने प्रीमियम, इस जगह पे मैंने प्रीमियम लिया था। और यहाँ के बाद जो है आप देख सकते हैं कि इसके बाद कंटिन्यू जो है आपको लगातार जो है मार्केट जो है बुलिश ही दिखा, समझा, कंटिन्यू एक भी इसमें रेड कैंडल नहीं था। अब अगर गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडल आपको लगातार जो है बुलिश दिखा और ये जो है हैमर की ताकत है। अगर इस तरह का हैमर बनता तो आप इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आज के डे का ये सबसे लो पॉइंट था जहाँ पे हैमर बना था, मतलब कि ये इन्वर्टेड हैमर का काम किया। क्योंकि देखिए आज तो पहले आज का डे ब्रेक किया, डे ब्रेक करने के बाद जो है आज का जो है ये आपको सबसे लो जगह था आज के दिन का। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है आपको कब का है, 21 जून का 11:15 का कैंडल है जो यहाँ पे लो बनाया था और उसके बाद आज यहाँ पे लो बनाया। अब जैसे ही लो पॉइंट पे, आज के लोएस्ट पॉइंट पे गया, वहाँ जाने के बाद जैसे भी हैमर कैंडल बनाया तो इस तरह के मोमेंट पे आपको हैमर कैंडल का ट्रेड लेनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए एक तरफा मोमेंट मिला है आपको, ये लगातार कंटिन्यू मोमेंट मिला है आपको। हम इसमें एक छोटा सा लाइव वीडियो भी डाल देंगे कि उस टाइम में किस तरह से मोमेंट मिल रहा था और देखते। तो ये आपको हैमर कैंडल की ताकत थी, हैमर कैंडल को समझिए और इसको समझने के बाद इसको पकड़ने की कोशिश करिए, जितना बेहतर हो उसको पकड़िए। क्योंकि हैमर जो है, अगर आपको एक अच्छा हैमर कैंडल मिल जाता है, सप्ताह में भी एक दो बार मिल जाता है, तो आप एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये हैमर कैंडल था जिसका हम आपको ताकत दिखाना चाह रहे थे इस वीडियो के अंदर। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने सपोर्ट लाइन को भी खींचा था, जिससे जो है हमारे पता चल गया कि लोएस्ट पॉइंट भी हमने बनाया था। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।